लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को उन एलिमेंट्स के बारे में बताया था प्रोडक्ट टेबल में से जो कि सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आज मैंने प्रोडक्ट टेबल में से उन एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है जो कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक uh, स्ट्रक्चर uh, और हिजेगनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जो फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं एलिमेंट्स वो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड है यहां से आप देख सकते हैं जो ग्रीन कलर में है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं और जो ब्लू कलर में है वो हिजेगनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो अः uh, मिसाल के तौर पे मैंने एक ये यहाँ पे स्ट्रक्चर रखा है जो कि बल्क uh, में है और एटम्स जो हैं वो एक जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाते हैं इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक यूनिट सेल को अगर बाहर निकाल लें तो वो इस तरह से हम उसको कंसिडर करेंगे इसके डिस्कशन में मैं नहीं जाऊंगी कि ये जो आइटम ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन होती है आइटम्स की उस वाले यूनिट सेल में वो वन बाई ऑफ एटम होता है अगर दूसरी पिक्चर को आप देख लें तो आप ये जो यूनिट सेल है हम इसको यूं भी बना सकते हैं और एक्चुअली वो यूनिट सेल यू बनाने का मतलब ये है कि बेसिकली एटम्स उसके अंदर इस तरह से अलाइंड होते हैं इसका क्या मतलब है कि एटम्स जो है वो कॉर्नर्स के ऊपर होते हैं और उसके साथ साथ जो फेस है आ, उसके सेंटर के दरम्यान में एटम्स जो है वो लाई कर रहे होते हैं आ, तो आ, ये एफ स्ट्रक्चर होता है अब नेक्स्ट अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पे मैंने ये जो पिक्चर शो कर रहे हैं इसके अंदर से अगर मैं एक सिर्फ एटम कंसीडर कर लेती हूँ जो राइट साइड पे फेस है ये वाले जो राइट साइड पे फेस है उसका इस एटम को अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि वो कितने नियरेस्ट एटम्स के साथ जो है वो अटैच है वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो सेंटर में इस फेस के ऊपर एक एटम जो है वो लाई कर रहा है तो इस इसके साथ ये कितने एटम्स इसके साथ अटैच्ड है यानी कि उसको टच कर रहे हैं तो एक ये वाला आइटम जो कॉर्नर के ऊपर है एक ये वाला आइटम जो दूसरे कॉर्नर के ऊपर है इस तरह से ये कॉर्नर के ऊपर ये कॉर्नर तो जो कॉर्नर के आइटम्स हैं वो इसके साथ अटैच्ड हैं इसको टच कर रहे हैं तो ये कितने हो गए यहाँ से साइड से ये फोर हो गए इसी तरह से अगर आप दरमियान वाले आइटम को देखें तो एट द सेम टाइम वो जो पीछे वाला हमारे पास फेस है ये जो पीछे वाला फेस है इसके दरमियान में एक ऐटम जो लाइक उसको वो टच कर रहा है इसी तरह से ये जो फ्रंट वाला फेस है उसके ऊपर जो एटम लाई कर रहा है उसको वो टच कर रहा है तो ये हो गया इसी तरह नीचे जो बॉटम वाला फेस है उसके ऊपर जो एटम फ्लेस है उसको ये वाला जो एटम है वो टच कर रहा है तो यहां से भी हमारे पास कितने हो गए वन टू थ्री और फोर टॉप वाले फेस के ऊपर भी जो है वो को टच कर रहे हैं यहाँ से इन साइड से तो यहाँ से भी फोर हो गए सो फोर प्लस फोर इसके बाद आप देखिए जब ये वाला एक यूनिट सेल है इसी तरह से इसके साथ एक दूसरे वाला यूनिट सेल भी है जो यहाँ पे शो नहीं हुआ लेकिन आप उस, उसके साथ भी अगर मैं इस वाले एटम को देखूं तो इसी तरह से वो फोर और एटम्स के साथ जो है वो टच हो रहा है तो इधर से भी हमें फोर एटम्स मिल गए सो फोर प्लस फोर प्लस फोर, टोटल जो है वो ट्वेल्व हो जाएगा तो जो एफ सी सी है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो ट्वेल्व होता है जैगनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर को देखें तो ये मैं एक पिक्चर शेयर करती हूँ ये एक जैगनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है एट जिसको कहते हैं ऊपर टॉप पे देखें तो ये एक जो हाइलाइटेड है ये एक यूनिट सेल है इसकी एक और पिक्चर देखें ये एक मॉडल सा बना हुआ है जो कि शो कर रहा है एट स्ट्रक्चर को और नेक्स्ट अगर हम इसी को अगर एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करें तो वो उसका एक जो यूनिट सेल है वो किस तरह का होगा वो उसकी शक्ल इस तरह की होगी तो ये जो सर्कल्स हैं, ये शो कर रहे हैं जो लाइंस हैं, जो उनको ज्वाइन है बेसिकली ये एटम्स दूसरे एटम्स के साथ इस तरह से अटैच है तो ये एक यूनिट सेल है एट सी पी का अब अगर मैं इसको देखूं, अगर जब ये फॉर uh, एग्जाम्पल ये जो टॉप वाला है ये जो पार्ट है इसको मैं ये क्योंकि ये बी लेयर है और ये जो मिडल में शो करे जो कि एटम्स उसके दरम्यान में लाई करें इसको मैं एक ए लेयर नाम दे देती हूँ तो हम इसको जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग तो इसका जो स्ट्रक्चर है जो पैटर्न है वो रिपीट होता है कि एक ए लेयर है फिर बी लेयर है फिर एक ए लेयर है, है फिर बी लेयर है तो यहाँ से अभी आप देख सकते हैं कि जैसे ये एक बी लेयर है तो इसके ऊपर एक ए लेयर होगी सो तो ए लेयर बी लेयर फिर ए एंड बी इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिपीट होता है तो अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर देखने का सबसे बेस्ट तरीका ये कि हम ये जो दरमियान में आइटम है जो बी लेयर के दरमियान में आइटम है जो कि यहाँ पे आप शो आप देख सकते हैं ऑरेंज से कलर में है इसको देखें तो इसको हम देखते हैं कितने नियरेस्ट आइटम्स के साथ अटैच्ड है तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सबसे पहले जो नीचे वाली उसकी लेयर है जो कि ए लेयर है उसके साथ ये कितने आइटम्स के साथ अटैच्ड है वन टू थ्री और इसी तरह से अब अगर हम इनके साथ देखें कि जो आइटम्स हैं वो क्या हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन तो यानी कि कितने हो गए सिक्स आइटम्स के साथ जो है वो अटैच है इस बी वाली लेयर में इसी तरह से इसके ऊपर जो ए लेयर है उसके भी तीन आइटम्स हो जाएंगे तो टेन अलेवन एंड ट्वेल्व तो इस, इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली ये वाला आइटम जो कि बी लेयर के दरमियान में हम देख कंसिडर कर रहे थे वो आ, आ, नीचे वाली लेयर से तीन आइटम्स के साथ उसके साथ जो है वो छह आइटम्स हो गए और उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसके थ्री आइटम्स हो गए तो टोटल ट्वेल्व आइटम्स तो अम्म जो एट सी पी है इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो ट्वेल्व होगा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ एट सी पी तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूनिट सेल एच सी पी का क्या है जैसे पहले आपसे डिस्कशन से हो गई है कि एच सी पी का ये एक यूनिट सेल है अब हम देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स की कॉन्ट्रीब्यूशन है कॉर्नर्स से कितनी फेस से कॉन्ट्रीब्यूशन है और कितनी एटम्स जो है वो लाइक कर रही हैं इन साइड दैट यूनिट सेल सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉर्नर्स पे कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स तो आप देखिए जो ऊपर वाली जो ये लेयर है इस वाले लेयर में हर जो कॉर्नर है कितने कॉर्नर्स है सिक्स कॉर्नर्स है तो हर कॉर्नर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है वो वन बाय सिक्स आ रही है सो वन बाय सिक्स टाइम्स सिक्स क्योंकि सिक्स एटम्स है इसके ऊपर इसी तरह से जो नीचे वाला है जो इसके नीचे वाली लेयर है इससे भी कितने six corners है, हर कॉर्नर से जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो वन बाय सिक्स और कितने आइटम्स है सिक्स आइटम्स है सो वन बाय सिक्स टाइम सिक्स तो ये हमारे पास आ जाएगा टू सो कॉर्नर से जो कंट्रीब्यूशन आ रही है वो कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल के ऊपर होंगे वो टू होंगे नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि कितने इस यूनिट सेल के अंदर कंप्लीटली लाई करें जो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहे तो वो कितने हैं वो ये तीन है जो कि इन साइड द बॉडी है और वो किसी और के साथ शेयर नहीं हो रहे वो कंप्लीटली इसी यूनिट सेल के हैं सो इन साइड द बॉडी जो है वो थ्री हो गए अब नेक्स्ट हम देखते हैं फेस के ऊपर कितने हैं अब आप अगर ऊपर वाला फेस देखें तो ऊपर वाले फेस के दरमियान में ये जो एक एटम है ये लाई कर रहा है इसी तरह से एक लोअर वाला फेस है उसके दरमियान में जो एटम है वो लाई कर रहा है इसी तरह आप यू समझ सकते हैं कि इसके ऊपर भी एक यूनिट सेल होगा और इस तरह से इसके नीचे भी एक यूनिट सेल है तो कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन आ रही है एक यूनिट सेल के अंदर वो आ रही है वन बाई टू टाइम्स टू क्योंकि इसके दो फेस हैं और दो फेस से एक फेस पे कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन है हाफ ऑफ द एटम है सो वन बाई टू टाइम्स टू तो टोटल तो तो कितना ये हो जाएगा वन सो so, तो तो फेस के ऊपर कॉन्ट्रीब्यूशन जो आ रही है दो फेस से एटम्स की इस यूनिट सेल के अंदर वो वन है तो टोटल तो जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल हम इन सबको एड कर देते हैं टू प्लस थ्री प्लस वन तो वो किसके इक्वल आ जाएगा दैट विल्वल्स टू सिक्स सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल एच सी पी में होते हैं सिक्स पैकिंग फ्रैक्शन एफ सी सी की कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं उसके कैलकुलेशन को तो जैसे पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है कि जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइटम्स ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल अब हम एफ सी सी में देखते हैं कि फोर एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं और एटम्स जो होते हैं उनको हम कंसिडर करते हैं स्फेयर तो उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा फोर बाय आर क्यूब ओवर थ्री और जो आर है वो रेडियस है उन एटम्स का तो वॉल्यूम ऑफ टोटल आइटम्स कितना हो जाएगा हम उसको फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइटम्स इन केस ऑफ एफसीसी हो जाएगा फिर आप देखें यहाँ पे एक एफ सीसी की यूनिट सेल मैंने लिया है उसकी पिक्चर है और इसकी जो एज लेंथ है वो किसके इक्वल है ए के इक्वल ये साइड ए है इसी तरह से ये वाली साइड जो है वो ए है तो अब हम देखें कि इसका वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना हो जाएगा वो लेंथ टाइम्स विड्थ टाइम्स हाइट है तो एज लेंथ ए है तो वॉल्यूम किसके इक्वल हो जाएगा वी विल बीवल टू ए क्यूब अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके फेस डायगोनल के में फेस डायगोनल जो है वो किसके इक्वल है अब देखिए ये जो आपको नजर आ रहा है ये फ्रंट वाला फेस है तो जो एफ सी सी होता है उसके हर फेस के दरमियान में एटम जो है वो लाई कर रहा होता है तो ये इसका जो फ्रंट वाला फेस है उसके दरमियान में ये एक एटम है इसका जो रेडियस है वो कितना हो जाएगा आम, देखिए यहाँ पे अगर सेंटर से देखें तो यहाँ तक आर है इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये टू आर हो गया और edges, जो कॉर्नर्स हैं उसके ऊपर एटम लाई कर रहे हैं तो जो है वो उधर से जो रेडियस हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ रही है वो भी एक आर यहाँ से आ जाएगा और इसी तरह से एक आर यहाँ से आ जाएगा तो, तो टोटल ये जो डायगनल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी फोर आर की इक्वल हो जाएगा तो अब अगर हम सामने वाले फेस को देखें तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे बन रहा है, right है इसके ऊपर तो हम कहेंगे अंडर रूट ए, 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 ए स्क्र प्लस अंडर रूट ए स्क्र सो दैट विल इक्वल्स टू फेस में फोर आर विल इक्वल्स टू अंडर रूट टू ए एंड ए इक्वल्स टू फोर आर ओवर अंडर रूट टू अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन में तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मैंने वॉल्यूम ऑफ द टोटल आइटम्स जो ये यहाँ से हमने ले लिया और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो कि ए क्यूब है वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसके बाद मैंने ये जो एक रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड आर उसको मैं सब्सिट्यूट कर रही हूँ यहाँ पे तो ये आप कैलकुलेशन देख सकते हैं इसको जस्ट सिंप्लीफाई करें और आपके पास आंसर आ जाएगा 0.74 ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन है अगर मैं पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी 100 से तो पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो 74 परसेंट आ गई और जो फ्री स्पेस है दैट इज ट्वेंटी फोर सॉरी ट्वेंटी पैकिंग फ्रैक्शन एट सी की कैलकुलेट करते हैं ये एट का यूनिट सेल है और जो पैकिंग फ्रैक्शन है उसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे दोबारा से मेंशन कर दिया किसके इक्वल होता है और अब हमारे पास चूंकि ये एट सी पी है तो इसका मतलब है कि जो टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल है वो इस केस में किसके इक्वल होगा तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द एट सी पी यूनिट सेल इक्वल्स टू एरिया ऑफ द बेस टाइम्स हाइट सो एरिया ऑफ द बेस का मतलब ये जो नीचे वाली ये लेयर है इसका एरिया टाइम्स द हाइट अब मैं अगर मैं इसकी हाइट को रिप्रेजेंट करती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको मैं C कह देती हूँ तो इसका मतलब है हाइट जो है वो C है और उसके बाद ये जो दरमियान में तीन आइटम्स की लेयर है ये और यहाँ के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा ये हाफ ऑफ हाफ ऑफ सी होगा तो ये डिस्टेंस है जो जो कि सी बाय टू के इक्वल होगा ये चीज होगी अब अगर आप इसकी बेस को देखें तो जो इसकी ये जो बेस है ये आप यहां से देख सकते हैं कि एक एटम ये है एक एटम ये है इस तरह से आइटम्स के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है और इस बेस को अगर आप नोट करें तो मैं क्या इसको डिवाइड कर सकती हूँ इनटू ट्रायंगल्स? किस तरह की ट्रायंगल्स हैं आप देखिए वन, वन, वन कलर में कुछ चेंज कर लेती हूँ सो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स सो सिक्स जो है वो ट्राइंगल्स हैं यहाँ पे तो किस तरह की ट्राइंगल्स है क्योंकि इधर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दोनों के दर में ए है और इसी तरह से ये जो डिस्टेंस है इसम और इस के लिए, वो भी ए के बराबर है तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो सारी ट्राइंगल्स है ये इक्विलेटर ट्राइंगल्स है तो जो वॉल्यूम बराबर होगा ए का उसको मैं लिख सकती हूँ कि वो इक्वल है सिक्स टाइम्स एरिया ऑफ द इक्विलेटर ट्राइंगल्स टाइम्स सी सिक्स मैंने क्यों क्या है क्योंकि जो इक्विलेटर ट्राइंगल है वो छह है अब आपको पता है कि जो एरिया होता है इक्विलेटर ट्राइंगल का या किसी भी ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो इक्वल होता है वन ओवर टू टाइम्स बेस टाइम्स हाइट के अब हम इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं अब ये इसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल ट्राइंगल को बाहर निकाल लिया उसको कैलकुलेट करने के लिए तो आप देखें यहाँ पे ये जो बेसिकली इस कॉर्नर के ऊपर एक एटम लाइक कर रहा है यहाँ पे इसी तरह से इस कॉर्नर के ऊपर एक एटम है दोनों के दरम्यान में जो डिस्टेंस है वो ए है ये भी ए के बराबर है ये भी ए के बराबर है इसकी ये जो ट्रायंगल की हाइट है उसको मैं अगर कह देती हूँ दैट इज एच तो ये हाइट जो है वो एच है तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम तो एच ए स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू height अब इन इसके में डिस्टेंस किसके बराबर है ये टोटल तो यहाँ से लेके यहाँ तक a है तो ये a बाई टू हो जाएगा प्लस a बाय टू तो चूंकि a बाय टू होल स्क्र चूंकि हमने हाइट कैलकुलेट करनी है तो इसको हम एक साइड पे रख लेते हैं सो एक्र विल be इक्वल्स टू ए ए स्क्र माइनस ए बाय टू Whole अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास हाइट इक्वल आ जाएगी अंडर रूट थ्री बाई टू टाइम्स टू इस वाला जो फॉर्मूला था इसे हम सब्सिट्यूट करते थे जो है, भी again, के है, जो है, ये ए के इक्वल है सो ए टाइम्स हाइट जो है वो अंडर रूट थ्री बाई टू ए तो यह, यहाँ पे मैंने ये सब्सिट्यूट कर दिया अब यहाँ से आप वापस इस फॉर्मूले पे चले जाएं वॉल्यूम जो था वो किसके इक्वल था सिक्स टाइम्स एरिया ऑफ तेकुलेटेड ट्राइंगल्स टाइम्स सी वो वाली उसमें मैंने एरिया ऑफ सेकुलेटेड ट्राइंगल जो है वो पुट कर दिया तो मेरे पास वॉल्यूम की ये वाली जो है वैल्यू आ गई है जो वॉल्यूम हमारे पास आ गया है यूनिट सेल का वो है uh, v अब हम पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले के अंदर इसको सब्सिट्यूट करें तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाता है अब इसके अंदर अब देखें कि हमारे पास आर है ए है और सी है अब हमें एक रिलेशनशिप फाइंड करना होगा बिटवीन ए एंड आर एच सी पी के लिए और uh, वो हम देखते हैं कि वो क्या है ए इज इक्वल्स टू टू आर या आर इज इक्वल्स टू ए ओवर टू ये किस तरह से है तो अब देखें यहाँ पे जब ये एक एटम है और ये एक एटम है या मैं इनको अलग से बना लेती हूँ नीचे एक ये एटम है और एक ये एटम है इन दोनों के दरमियान में सेंटर से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू ए और हमें ये पता है कि जो सेंटर से लेके साइड पे क्योंकि एटम्स हैं है, तो इनका रेडियस जो है वो आर है इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आर है इस वजह से हम कहेंगे कि ए इज इक्वल्स टू टू आर तो जब हम इसकी वैल्यू को पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करें तो हमारे पास ये ये वैल्यू आ जाएगी फर्दर सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू पाई ओवर थ्री अंडर रूट थ्री टाइम्स ए ओवर सी अब अगेन हमें चूंकि एक नंबर चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन का इसका मतलब है हमें अब ए और सी की जो रेशियो है इसको फाइंड कर फाइंड आउट करना होगा जो रेशियो है ए ओवर सी इसको कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले हम लेबल कर लेते हैं जो हाइट है इस यूनिट सेल की हाइट जो है इस यूनिट सेल की वो C है और जो मिडल से लेके जहाँ पे ये तीन आइटम्स जो दरम्यान वाली लेयर है A लेयर उधर से लेके जो नीचे तक है क्योंकि वो मिडल में है तो वो जो हाइट है वो C बाय टू है अब आप देखें कि इस इस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए ए बाई को ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो दरमियान में ये लेयर है इसका ये वाला जो एटम है ये एटम बेसिकली आ, ये जो ट्राइंगर वाइड बन रहा है इनके दरम्यान में ये जो ट्राइंगल्स ये इसके सेंटर में लाई कर रहा है कैसे इसको आप अलग से मैंने ड्रॉ किया आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मैंने ये बेसिकली ये जो आइटम है वो ये आइटम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया अलग से इसी तरह से ये जो दूसरे वाला है आइटम उसके साथ वो ये है और ये जो इसके यहाँ पे है मिडिल में उसको मैंने ये ड्रॉ किया अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनके दरमियान में, में लाई कर रहा होता है इसी तरह से दूसरे वाली साइड्स के ऊपर भी इसी तरह से ही है सिचुएशन अभी हम सिर्फ आ, तस, सिंपल करने के लिए हम सिर्फ एक केस को कंसीडर करते हैं कि ये वाला जो एटम है ये बेसिकली इस जो ट्रायंगुलर वाइड है इसके सेंटर पे लाई कर रहा है अब अगर मैं इसको दोबारा ऊपर ड्रा करती हूँ और यहाँ से एक लाइन आ रही है जो कि यहाँ पे शो कर रही है कि ये इसके सेंटर में सेंटर के ऊपर लाई कर रहा है अब अगर मैं इसके इन uh, एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन करती हूँ uh, तो हमारे पास एक ये ट्राइंग ट्राइंगल सी बन रही है अब इस ट्राइंगल को uh, मैं अलग से बना देती हूँ यहाँ पे और ऊपर जो उसका एटम है और ये इसको इसके ऊपर जो लाई कर रहा है तो आप यहाँ पे देखें कि जो कैलकुलेशन करने के लिए मैं आई थिंक ये क्वाइट कलर यूज कर लेते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं सिर्फ लेबल कर रही हूं कि जो यहाँ पे उसके सेंटर पे लाइक करता है मैं इसको इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी कैलकुलेश्स करने के लिए ओके सो दिस इज डी यहाँ पे मैंने इन पॉइंट्स को लेबल कर दिया अब हम देखते हैं कि जो ट्राइंगल है हमारे पास इ uh, डी e, इस ट्राइंगल में थ्योरम लगाते हैं तो हमारा uh, ये आ आजगा इ होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ई डी होल होल स्क्वायर प्लस डी ए होल स्क्वायर सो ई व्हाट इज ई ए ये मैंने आपको uh, ये पता है ई इज ए ए जो के टू uh, आर के इक्वल है लेकिन अभी हम इसको ए सब्सिट्यूट करते हैं सो ए स्केर इज इक्वल टू ई डी सो ई डी जो है वो क्या था ये uh, अगर आप यहाँ पे देखें uh, so, सो से uh, ये बेसिकली हाफ ऑफ द हाइट है सो दैट इज सी बाई टू सो सो विल बी सी बाई टू होल स्क्र प्लस सो एक्चुअली हम लोगों कैलकुलेट करना है तो अगर आप यहाँ पे देखें इसी ट्राइंगल में इसी अगर आप ट्राइंगल में देखें तो ये वाला जो एंगल है इट्स इक्विलेट uh, uh, ट्राइंगल सो so, ये जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री यहाँ पे मैंने लेबल कर दिया कि ये जो एंगल है 60 डिग्री है क्योंकि ट्रायंगल है और जो उसको बाइसेक कर रहा है तो इसका मतलब है ये जो एंगल है दैट विल बी 30 डिग्री अब मैं यहाँ पे ड्रॉ की नीचे लाइन तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल बन रही है ट्राइंगल डी ए एफ अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो कॉज ऑफ थीटा किसके इक्वल है सो so, कॉज ऑफ थीटा थिएटर इज बेसिकली थर्टी डिग्री सो मैं यहाँ पे थर्टी डिग्री लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू एडजन ओवर हाईपर इन सो एडजस्टन हमारे पास क्या है एफ एवर हाईपर इन इज डी ए सो एफ ए मीन्स जो टोटल लेंथ है Uh, जो टोटल बेसिकली इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस था यहाँ से लेके पूरा वो ए है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ए बाई टू सो एफ ए जो है वो ए बाई टू है और डी ए जो है वो हम लोगों को कैलकुलेट करना है एंड कॉज ऑफ थर्टी डिग्री इज कॉज ऑफ थर्ट डिग्री इज आई या अंडर रूट थ्री बाई टू सो

यानी कि ए वाली टर्म्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं सो सो इट्स डी ए ए इज और अंडर रूट थ्री सो so इसका भी हमने स्केयर लेना है यहाँ पे सो दैट विल बी ए स्वेयर ओवर सो ए स्केर ओवर अंडर रूट थ्री की जगह पे मैं फिर थ्री लिख दूंगी सिर्फ सो दैट विल बी ए विल बी लाइक दिस सो so, अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं ए की टर्म्स को सो ए स्केर माइनस ए स्केयर ओवर थ्री थ्री स्केर ओवर फोर सो चूंकि हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है एवर um, सी की सो so सी को हम उधर ले जाते हैं सो ए स्केर ओवर सी स्केयर विल बीक्स टू थ्री ओवर टू टाइम्स फोर

ओके okay, जो हमारे पास ओवर सी की वैल्यू uh, आई थी uh, अब वो हम यहाँ पे सब्सिट्यूट कर देते हैं पैकिंग फ्रैक्शन जो कि हम ऑलरेडी uh, इस स्टेज के ऊपर आ चुके थे कैलकुलेशंस में सो so हमारे पास ओवर सी की जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल्स टू जीरो पॉइंट 6, 1, 2, so, अगर आप इसमें substitute करें पैकिंग फ्रैक्शन में ए ओवर सी की जगह पे तो हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आ, आ, का आजेगा, आ जाएगा देट विल भी इक्वल्स टू जीरो पॉइंट सेवन तो ये हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन आ गई point seven four. अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहे यानी कि पैकिंग efficiency निकालना चाहे सो पैकिंग एफिशिएंसी uh, जो होगी वो बेसिकली होगी फ्रॉम 100 सो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल्स टू 0.74 टाइम्स 100 दैट विल बी इक्वल्स टू 74 परसेंट so, सो दो स्ट्रक्चर्स आज हम लोगों ने देखे एक एफसीसी और एक एचसीपी और इनके कोऑर्डिनेशन नंबर्स की कैलकुलेशन की दोनों के कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हैं इनकी पैकिंग एफिशिएंसीज कैलकुलेट की दोनों की 74% परसेंट है और फ्री स्पेस उसके कारस्पॉन्डिंग 26% परसेंट है तो इस तरह के स्ट्रक्चर जिनकी जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 12 है पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो सेवेंटी हो इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम कहते हैं क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स